हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है ट्राइजमिनल नर्व विद इट्स क्लिनिकल। ट्राइजमिनल नर्व ये हमारे 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व में से फिफ्थ नंबर पे आता है। तो आपको पता होगा कि हमारा जो ब्रेनस्टेम है उसके थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज मिड ब्रेन, सेकेंड पॉन्स एंड थर्ड इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो पॉन्स होता है वो एक स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें से ट्राइजमिनल नर्व ओरिजिन करता है। तो ट्राइजमिनल नर्व के थ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं पॉन्स में। फर्स्ट न्यूक्लियस जो होता है उसका नाम होता है मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस। मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस। सेकेंड न्यूक्लियस का नाम होता है प्रिंसिपल न्यूक्लियस। और थर्ड न्यूक्लियस का नाम होता है स्पाइनल न्यूक्लियस। ये थ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट है पॉन्स में, जिसमें से ट्राइजमिनल नर्व ओरिजिन करता है। तो ट्राइजमिनल नर्व इन थ्री न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और हमारे पेरिफेरी में आता है। तो पेरिफेरी में आने के बाद ये गैंग्लियॉन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे गैंग्लियॉन प्रेजेंट है, जो भी जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी नर्व बॉडीज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो भी नर्व बॉडीज हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं गैंग्लियॉन। तो जैसे ही ये ट्राइजमिनल नर्व पॉन्स से बाहर निकल के हमारे पेरिफेरी में आता है तो एक गैंग्लियॉन फॉर्म होता है ट्राइजमिनल नर्व का, उसे बोलते हैं ट्राइजमिनल गैंग्लियॉन। ट्राइजमिनल गैंग्लियॉन। अब जो ये ट्राइजमिनल गैंग्लियॉन है, इसी ट्राइजमिनल गैंग्लियॉन से ट्राइजमिनल नर्व का ओरिजिन हो रहा है। ट्राइजमिनल नर्व के थ्री डिविजन्स हैं। इसका नाम है ट्राई, मतलब इसके थ्री डिविजन्स हैं। फर्स्ट ऑप्थेल्मिक नर्व, ऑप्थेल्मिक डिविजन ऑफ ट्राइजमिनल नर्व। सेकंड मैक्सिलरी, मैक्सिलरी डिविजन ऑफ ट्राइजमिनल नर्व। और थर्ड नंबर पे आता है मैंडिबुलर। मैंडिबुलर डिविजन ऑफ ट्राइजमिनल नर्व। अब जो ये ट्राइजमिनल नर्व है ये मिक्स्ड नर्व होता है, इसमें सेंसरी डिविजन्स भी होते हैं और मोटर डिविजन्स भी होते हैं। ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी डिविजन्स जो है ये प्योरली सेंसरी है, इनमें कोई भी मोटर पार्ट नहीं है। लेकिन जो मैंडिबुलर होता है ये मोटर भी होता है प्लस ये सेंसरी भी होता है। तो अब हम बात करते हैं ऑप्थेल्मिक डिवीजन के बारे में। ऑप्थेल्मिक नर्व ट्राइजमिनल नर्व का फर्स्ट डिवीजन है, जो मेनली हमारे आईज और हमारे इस फ्रंटल बोन को नर्व सप्लाई दे रहा है। तो ऑप्थेल्मिक नर्व ट्राइजमिनल गैंग्लियॉन से बाहर निकलता है। ट्राइजमिनल गैंग्लियॉन से बाहर निकलने के बाद ये कैवर्नस साइनस के अंदर एंटर होगा। कैवर्नस साइनस के अंदर एंटर होने के बाद ये एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। कैवर्नस साइनस के अंदर एंटर होगा और वहां से बाहर निकलने के बाद ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर एंटर होता है। और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर एंटर होने से पहले ही ये थ्री डिविजन्स देता है। इसका जो फर्स्ट डिविजन है उसका नाम होता है फ्रंटल नर्व। फ्रंटल नर्व
इसका जो सेकेंड डिविजन है उसका नाम होता है नेसोसिलियरी। और जो थर्ड डिविजन है उसका नाम होता है लैक्रिमल नर्व। लैक्रिमल नर्व। अब जो ये फ्रंटल नर्व होता है, ठीक है, जो ऑप्थैल्मिक नर्व का फर्स्ट डिविजन है फ्रंटल नर्व। फ्रंटल नर्व के फर्दर टू डिविजन्स होते हैं, फ्रंटल नर्व के फर्दर टू डिविजन होते हैं। इसका जो फर्स्ट डिविजन है वो होता है सुपीरियर ट्रोक्लियर, सुप्रा ट्रोक्लियर। जिसका सेकेंड डिविजन है उसे बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल। सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व। जो फ्रंटल नर्व है ऑप्थैल्मिक ब्रांच का, उसके टू ब्रांचेस होते हैं, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर। सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व वहीं पर ही एंड हो जाता है, जो मेनली हमारे इंफीरियर आईलिड्स को नर्व सप्लाई करता है। और जो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व है इसके फर्दर टू डिविजन होते हैं, फर्स्ट इज मीडियल एंड लेटरल। मीडियल डिविजन और लेटरल डिविजन। तो मीडियल डिविजन और लेटरल डिविजन ये फ्रंटल नर्व का टर्मिनल डिविजन है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे नेसोसिलियरी नर्व। नेसोसिलियरी नर्व फर्दर टू डिविजन, इसके फर्दर फोर डिविजन होते हैं, फर्स्ट इथमोइडल, ये होता है पोस्टीरियर इथमोइडल, पोस्टीरियर इथमोइडल। सेकेंड डिविजन है इसका एंटीरियर इथमोइडल, थर्ड है लॉन्ग सिलियरी, एंड फोर्थ में आता है इंफ्राट्रोक्लियर। तो नेसोसिलियरी जो नर्व है वो फ्रंटल वो ऑप्थैल्मिक नर्व का सेकेंड ब्रांच होता है। उस नेसोसिलियरी के फिर से फर्दर फोर डिविजन होते हैं, फर्स्ट नंबर पे आता है पोस्टीरियर इथमोइडल, सेकेंड नंबर पे एंटीरियर इथमोइडल, देन लॉन्ग सिलियरी एंड देन इंफ्राट्रोक्लियर। इंफ्राट्रोक्लियर नेसोसिलियरी का ब्रांच है और सुप्राट्रोक्लियर फ्रंटल का ब्रांच है। तो जो पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व है ये पोस्टीरियर इथमोइडल फोरामेन को क्रॉस करके, पोस्टीरियर इथमोइडल फोरामेन को क्रॉस करके ये हमारे जो स्फेनोइडल साइनस है, जो यहाँ पे हमारे स्फेनोइडल साइनस प्रेजेंट है, उन्हें ये नर्व सप्लाई देगा। सेकेंड नंबर पे आता है एंटीरियर इथमोइडल, एंटीरियर इथमोइडल एंटीरियर इथमोइडल फोरामेन को क्रॉस करेगा और ये हमारे नेजल बोन, मेनली हमारा नेजल बोन एंड हमारे नेजल कैविटी को नर्व सप्लाई करता है। लॉन्ग सिलियरी हमारे सिलियरी मसल्स ऑफ द आईज को नर्व सप्लाई करेगा एंड इंफ्राट्रोक्लियर हमारे सुपीरियर आईलिड्स को नर्व सप्लाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लैक्रिमल नर्व, जो थर्ड ब्रांच है ऑप्थैल्मिक नर्व का, ये हमारे लैक्रिमल ग्लैंड को ही नर्व सप्लाई करेगा। अब उसके बाद मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व, अब जो ये मैक्सिलरी नर्व है ये भी सेंसरी डिविजन है हमारी ट्राइजमिनल नर्व का। तो ये मैक्सिलरी नर्व जो है, ये मैक्सिलरी नर्व ट्राइजमिनल गैंग्लियन से बाहर निकलेगा। ट्राइजमिनल गैंग्लियन से बाहर निकलने के बाद एक डिविजन होता है इसका, जिसका नाम होता है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, पोस्टीरियर
सुपीरियर एल्वियोलर। इसका जो फर्स्ट डिविजन है मैक्सिलरी नर्व का वो होता है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। उसके बाद ये नर्व आगे जाती है, आगे जाने के बाद ये नर्व इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व में कन्वर्ट हो जाती है, इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व। ठीक है, जो मैक्सिलरी नर्व है वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से बाहर निकलती है। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से बाहर निकलने के बाद वो हमारे पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांच एको देती है हमारे इस अपर जो को, हमारा अपर जो है उसे। उसके बाद वो सेकंड ब्रांच जो उसका होता है वो होता है इन्फीरियर ऑर्बिटल नर्व, जो हमारे ऑर्बिट से वहां पे जाएगा वो। और ये इन्फीरियर ऑर्बिटल नर्व होने से पहले यहाँ पे गैंग्लियन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। मैं इसका कलर बदल देती हूँ कि आपको समझ में आए। टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन मैक्सिलरी नर्व ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से ओरिजिन हो रही है, वहां से निकलने के बाद वो अपना फर्स्ट डिविजन देती है जिसका नाम है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। उसके बाद वो इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व में कन्वर्ट हो जाती है, ऊपर जाती है हमारे ऑर्बिट्स में। लेकिन इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व बनने से पहले एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। उस टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन से ही इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व ओरिजिन होती है, फॉर्म होती है। उसके बाद ये इन्फीरियर ऑर्बिटल नर्व आगे मूव करता है, ये आगे मूव करेगा और ये अपने थ्री डिविजन्स देगा। इसका जो फर्स्ट डिविजन है उसका नाम होता है जाइगोमेटिक नर्व। जाइगोमेटिक नर्व इसका फर्स्ट नाम है। सेकंड नंबर पे ये जो नाम होता है ये वही नाम है इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व, इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व इसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, जो यही नाम है वही नाम से वो नर्व आगे रन करता है। उसके बाद जो इसका थर्ड डिविजन है वो है सुप्रालिंगुअल नर्व। सुप्रालिंगुअल नर्व, अब जो ये जाइगोमेटिक नर्व है इसके भी फिर फर्दर टू ब्रांचेस हैं। इसका जो फर्स्ट ब्रांच है जाइगोमेटिक नर्व का वो होता है जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। जाइगोमेटिको टेम्पोरल ब्रांच है इसका, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व इसका फर्स्ट ब्रांच है जो हमारे टेम्पोरल लोब को नर्व सप्लाई करती है। इसका जो सेकेंड ब्रांच है वह जाइगोमेटिको फेशियल, हमारे फेस को नर्व सप्लाई देती है ये। उसके बाद जो इन्फीरियर ऑर्बिटल नर्व है इसके फर्दर थ्री ब्रांचेस होते हैं। इसका जो फर्स्ट ब्रांच है इन्फीरियर ऑर्बिटल नर्व का वो होता है पैल्पेब्रल नर्व, इंफीरियर इंफीरियर पैल्पेब्रल नर्व। इसका जो सेकंड ब्रांच है वो है लिंगुअल नर्व, थर्ड ब्रांच है नेसल ब्रांच, नेसल बोन ब्रांच, नर्व फॉर नेसल बोन।
तो जो इंफीरियर और पैरिटल नर्व है इसके फिर फर्दर थ्री ब्रांचेस हैं। इसका जो फर्स्ट ब्रांच है वो है इंफीरियर पल्पेब्रल नर्व, जो हमारे पल्पेब्रल कंजक्टाइवा, इंफीरियर पल्पेब्रल कंजक्टाइवा का जो ये नर्व सप्लाई करता है फर्स्ट। सेकेंड जो इसका ब्रांच है वो है लिंगुअल नर्व, जो हमारे टंग को नर्व सप्लाई कर रहा है। उसके बाद इसका इसका जो थर्ड ब्रांच है वो है नेजल बोन, हमारे नेजल बोन को नर्व सप्लाई करता है ये। उसके बाद सब सुप्रा लिंगुअल नर्व, ये भी हमारे टंग को नर्व सप्लाई करता है। अब इसके बाद हमारा थर्ड नर्व मैंडिबुलर नर्व। ये जो मैंडिबुलर नर्व है इसके टू डिविजन्स हैं मैंडिबुलर नर्व के, एक है इसका सेंसरी डिविजन और दूसरा नंबर पे होता है इसका मोटर डिविजन। तो मोटर डिविजन को मैं ब्लैक कलर से इंडिकेट करूंगी, मैंडिबुलर तो पिंक कलर से है, नहीं जो सेंसरी पार्ट है वो पिंक कलर से है और जो ब्लैक कलर से होगा वो इसका मोटर डिविजन होगा। वो कलर वर्क नहीं कर रहा था तो मैं इसको जो मोटर डिविजन है मैंडिबुलर नर्व का उसको मैं ब्लू कलर से इंडिकेट करूंगी। मैंडिबुलर नर्व स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ पॉन से ओरिजिन हो रहा है। अब यहां पे क्या होता है, हमारा पॉन्स है, पॉन्स में थ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसका जो थर्ड नंबर का जो न्यूक्लियस है स्पाइनल न्यूक्लियस, यहां से ओरिजिन होता है हमारा मैंडिबुलर नर्व। तो मैंडिबुलर नर्व के टू ब्रांचेस हैं, टू डिविजन से, फर्स्ट इसका मोटर डिविजन, सेकंड नंबर पर आता है इसका सेंसरी डिविजन। सेंसरी डिविजन स्पाइनल न्यूक्लियस से ओरिजिन होने के बाद ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में जाएगा। ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में जाने के बाद ये अपने अदर डिविजन देगा, लेकिन जो मोटर डिविजन है वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में नहीं जाता, उसका रिलेशन ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के साथ नहीं है, वो स्पाइनल न्यूक्लियस से ओरिजिन होगा। स्पाइनल न्यूक्लियस से ओरिजिन होने के बाद वो बाहर आएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा, वहां पे फिर एक और गैंग्लियन प्रेजेंट है जिसका नाम होता है ओटिक गैंग्लियन। यहाँ पे एक गैंग्लियन प्रेजेंट है इसका नाम है ओटिक गैंग्लियन। ओटिक गैंग्लियन ये जो मोटर नर्व है, जो मोटर ब्रांच है मैंडिबुलर नर्व का, ये स्पाइनल न्यूक्लियस से बाहर निकल के डायरेक्टली ओटिक गैंग्लियन में आता है, लेकिन वहीं जो सेंसरी डिविजन है मैंडिबुलर नर्व का वो स्पाइनल न्यूक्लियस से बाहर आएगा, उसके बाद वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में जाएगा, देन वो ओटिक गैंग्लियन में आएगा। अब पहले हम बात करते हैं इसका सेंसरी डिविजन की। तो जो मैंडिबुलर नर्व का जो सेंसरी डिविजन है वो ओटिक गैंग्लियन में आया ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से बाहर निकल के। ओटिक गैंग्लियन में आने के बाद अभी इसका एक ब्रांच, पहला जिसका जो फर्स्ट ब्रांच है वो है ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व, अब जो ये ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व है ये ओटिक गैंग्लियन से ओरिजिन होता है। ओटिक गैंग्लियन से ओरिजिन एक नर्व नहीं होगा, इसके टू नर्व्स होंगे, दोनों साइड्स में इसके टू नर्व्स ओरिजिन होंगे ऐसे, और ये एक लूप बनाएंगे। उस लूप के अंदर ऐसे एक लूप बनाएंगे, इस लूप के अंदर एक आर्टरी प्रेजेंट होती है जिसका नाम है, रेड कलर से आर्टरी है, इस आर्टरी का नाम है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, तो जो ये मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है ये ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व्स हमारे दोनों साइड्स में ओटिक गैंग्लियन से ऑरिक्यूलो टेम्पोरल टू नर्व्स ओरिजिन हो रहे हैं। उन टू नर्व्स, वो टू नर्व्स आपस में एक दूसरे से मिले हुए एक सर्कल की तरह हैं,
उस सर्कल के अंदर एक आर्टरी प्रेजेंट है जिसका नाम है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, जो हमारे मेनिंजेस को ब्लड सप्लाई करती है। तो अब जो ये टेम्पोरल नर्व है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, ये मेनली हमारे ईयर एंड हमारे टेम्पोरल नर्व को नर्व सप्लाई करता है। और ये नर्व यहाँ से आगे जाती है, आगे जाने के बाद ये हमारे मैंडिबल में आती है। मैंडिबल का जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस में एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है मेंटल फोरामेन। ये नर्व उस मेंटल फोरामेन में एंटर होगी और इसका नाम हो जाएगा मेंटल नर्व। मेंटल नर्व, और ये नर्व मेंटल फोरामेन में एंटर होगी। मेंटल फोरामेन में एंटर होने के बाद ये नर्व हमारा मेंडिबल बोन है, मेंडिबल बोन में मेंटल फोरामेन मिलेगा, जो हमारा आउटर सरफेस है मेंडिबल का, उस मेंटल फोरामेन के अंदर एंटर होगी और अंदर आ जाएगी। जो इन्फीरियर सरफेस है मेंटल फोरामेन का, वो माउथ के अंदर आपको मिलेगा। तो उसके अंदर एंटर होगी, माउथ के अंदर एंटर होगी। वहां पे ये टू ब्रांचेस इसके होते हैं। इसका जो फर्स्ट ब्रांच है वो है एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व। इसका जो सेकेंड ब्रांच है वो है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। एल्वियोलर नर्व के थ्री ब्रांचेस होते हैं, जिसका जो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व है वो मैक्सिलरी नर्व से ओरिजिन होता है, मैक्सिलरी ब्रांच से ओरिजिन होता है। और इसका एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व एंड इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ये मैंडिबुलर ब्रांच से ओरिजिन होता है। तो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व मेनली हमारे अपर जॉ को नर्व सप्लाई करता है। ये मैक्सिला बोन है तो ये अपर जॉ को नर्व सप्लाई करेगा। एंड एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व एंड पोस्टीरियर एंड इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ये दोनों हमारे लोअर जो को नर्व सप्लाई करते हैं। तो ये था मैंडिबुलर नर्व का सेंसरी डिवीजन। अब सेंसरी के बाद इसका नेक्स्ट आता है इसका मोटर डिवीजन। मोटर डिवीजन जो मैंने इस ब्लू कलर से इंडिकेट किया था, स्पाइनल न्यूक्लियस से ही ओरिजिन होगा मोटर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व, जो ओटिक गैंग्लियन में आके मिलेगा, लेकिन ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में वो नहीं जाता। तो ओटिक गैंग्लियन से बाहर आने के बाद ये मोटर डिवीजन हमारे जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है मेनली उन्हें नर्व सप्लाई करता है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन फर्स्ट मसल है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में जो फर्स्ट नंबर मसल है वो है मैसेटर, मैसेटर मसल। सेकंड टेम्पोरलिस, थर्ड लेटरल टेरिगॉइड, एंड फोर्थ मीडियल टेरिगॉइड। ये फोर मसल्स हैं, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, जिन्हें मोटर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व नर्व सप्लाई करेगा। मैसेटर, टेम्पोरलिस, लेटरल टेरिगॉइड एंड मीडियल टेरिगॉइड, ये मसल्स हैं जो हमें च्यू करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा और भी मसल्स हैं, जैसे कि डीप टेम्पोरलिस, टेंसर वैली पैलेटिनी, एंड टेंसर टिम्पैनी। ये सब मसल्स हैं जिन्हें मोटर ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व नर्व सप्लाई करता है। तो ये होता है हमारा ट्राइजेमिनल नर्व।
अब यहाँ पे ट्राइजमिनल नर्व के कुछ और भी ब्रांचेस हैं, थ्री मोर ब्रांचेस हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं, जिनके बारे में मुझे आपको लास्ट में ही बताना था। ऑप्थेल्मिक नर्व जो होता है, जो तीनों ब्रांचेस हैं ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, इन तीनों ब्रांचेस के थ्री और ब्रांचेस होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ऑप्थेल्मिक नर्व का एक ब्रांच है जो हमारे मेनिंजेस को नर्व सप्लाई करेगा, वैसा ही सेम मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, तीनों ब्रांचेस के ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, तीनों ब्रांचेस के वन वन ब्रांचेस होंगे जो मेनली हमारे मेनिंजेस को नर्व सप्लाई करते हैं, जो हमारे ब्रेन में मिलता है मेनिंजेस। ऑप्थेल्मिक नर्व ट्राइजमिनल गैंग्लियन से बाहर निकलने के बाद कैवर्नस साइनस तक पहुंचने से पहले ये एक ब्रांच फॉर्म करेगा, एक ब्रांच होता है इसका, जिसका नाम है टेंटोरियल ब्रांच। टेंटोरियल ब्रांच ऑफ ट्राइजमिनल नर्व जो ऑप्थेल्मिक नर्व से बाहर निकलता है। ऑप्थेल्मिक नर्व ट्राइजमिनल गैंग्लियन में आने के बाद कैवर्नस साइनस तक पहुंचने से पहले इसका जो ब्रांच होगा वो होगा टेंटोरियल ब्रांच। ये टेंटोरियल ब्रांच हमारा जो ड्यूरा मैटर है, जो हमारा टेम्पोरल लोब है हमारे ब्रेन का पीछे, और हमारा ऑक्सीपिटल लोब है उसके नीचे, यहाँ पे पीछे पोस्टीरियर में हमारा प्रेजेंट होता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम को एंड टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है टेंटोरियल, जो ड्यूरा मैटर का एक स्ट्रक्चर है, ड्यूरा मैटर का ही एक पार्ट है, तो उसे नर्व सप्लाई देता है ये टेंटोरियल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व ऑफ ट्राइजमिनल नर्व। उसके बाद मैक्सिलरी नर्व, ये मैक्सिलरी नर्व भी ट्राइजमिनल गैंग्लियन से बाहर निकलेगा, उसके बाद ये टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन तक पहुंचने से पहले इसका भी एक ब्रांच ऊपर जाता है हमारे ब्रेन में, जो जो ड्यूरा मैटर को नर्व सप्लाई करता है, मेनजे पैराइटल एरिया है, जो हमारा पैराइटल सरफेस है हमारे ब्रेन का, वहां पर जो ड्यूरा मैटर प्रेजेंट है उसे नर्व सप्लाई करेगा। जो मैक्सिलरी नर्व है, वो मैक्सिलरी नर्व ट्राइजमिनल गैंग्लियन से निकलने के बाद टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन तक पहुंचने से पहले उसका एक और ब्रांच आएगा, जो हमारे पैराइटल लोब ऑफ ब्रेन में जो ड्यूरा मैटर प्रेजेंट है उसे नर्व सप्लाई करेगा। वैसा ही सेम मैंडिबुलर नर्व, मैंडिबुलर नर्व भी ट्राइजमिनल गैंग्लियन से बाहर निकलेगा, ओटिक गैंग्लियन तक पहुंचने से पहले इसका भी एक ब्रांच हमारे ब्रेन में वापस जाएगा, जो कि ड्यूरा मैटर को नर्व सप्लाई करता है। ये तीनों नर्व्स मेनली हमारे ड्यूरा मैटर को ही नर्व सप्लाई करते हैं, इनका एक एक ब्रांच, तीनों नर्व्स का, ऑप्थेल्मिक का एक ब्रांच, टेंटोरियल ब्रांच जो हमारे ड्यूरा मैटर को नर्व सप्लाई करेगा, मैक्सिलरी नर्व का एक ब्रांच जो हमारे पैराइटल नर्व, जो पैराइटल पार्ट है हमारे ब्रेन का उसको नर्व सप्लाई करेगा, पैराइटल पार्ट में जो ड्यूरा मैटर है उसे नर्व सप्लाई करेगा, एंड जो मैंडिबुलर नर्व है वो भी ड्यूरा मैटर को नर्व सप्लाई करता है ओटिक गैंग्लियन तक पहुंचने से पहले। अब ये हमारा है ट्राइजमिनल नर्व। अब आता है इसका क्लिनिकल पार्ट, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या आता है इसका, जो क्लिनिकल पार्ट है इसका, उसमें फर्स्ट क्लिनिकल ट्राइजमिनल नर्व का मैं यहां पे लिख देती हूं, ट्राइजमिनल न्यूरेलजिया। ट्राइजमिनल न्यूरेलजिया, हमारे पास कुछ कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो हेडेक लेके आते हैं, पेशेंट आपसे बोलेगा कि मुझे हेडेक हो रहा है, या तो मेरा जो ये टेम्पोरल पार्ट है आई इन फ्रंटल पार्ट, ये मुझे सिवियर पेन करता है, या फिर जो ये मैक्सिलरी पार्ट है इस पार्ट में मुझे पेन हो रहा है, या फिर मेरे जो अपर जॉ है, अपर जॉ में मेरे जो मोलर टीथ्स हैं इनमें मुझे पेन हो रहा है, या फिर आपके पास जो पेशेंट आएगा वो आपसे बोलेगा उसके जो लोअर जॉ है, लोअर जॉ के जो मोलर टीथ्स हैं एंड उसके प्री मोलर्स है उनमें उसको सिवियर पेन हो रहा है,
तो ये जो पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को हमें अप्रोच करना होता है ट्राइजमिनल न्यूरेल्जिया, मतलब जो पेशेंट होता है, कई बार डॉक्टर्स इसे मिस्टेकन करते हैं एज टूथेक, एक्चुअली ये टूथेक नहीं है, ये ट्राइजमिनल नर्व का डिरेंजमेंट है, ट्राइजमिनल न्यूरेल्जिया हो रहा है पेशेंट को। मतलब पेशेंट आपके पास आएगा और आपसे बोलेगा कि मुझे मेरे अपर मोलर्स में पेन हो रहा है, फिर मेरे जो लोअर मोलर्स है उनमें मुझे पेन हो रहा है। आपने उसका टूथ डिस्ट्रैक्ट करवा दिया, टूथ जो था उसका, उसको आपने निकाल दिया, उसके बाद भी उसको पेन से रिलीफ नहीं मिल रहा, इसका मतलब वो जो पेशेंट है उसे ट्राइजमिनल न्यूरेल्जिया है। उसका मैक्सिलरी नर्व या फिर मैंडिबुलर नर्व, यहाँ पे कहीं पे लीजन प्रेजेंट है या फिर या इन 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 नर्व्स के ऊपर कोई तो कंप्रेशन हुआ है जिसकी वजह से उस पेशेंट को ट्राइजमिनल न्यूरेल्जिया है। ट्राइजमिनल न्यूरेल्जिया मेनली मैंडिबुलर नर्व का ज्यादा होता है, मतलब जो मैंडिबुलर पार्ट है, पेशेंट आपके पास आएगा और बोलेगा उसके लोअर जो में पेन हो रहा है। मैक्सिलरी एंड ऑप्थेल्मिक ट्राइजमिनल न्यूरेल्जिया बहुत रेयर मिलेगा, लेकिन कॉमन है मैंडिबुलर नर्व। सेकेंड जो उसका क्लिनिकल है वो है टूथ एनेस्थेसिया, मतलब डेंटल एनेस्थेसिया। डेंटल एनेस्थेसिया, जब भी आप किसी भी डेंटल सर्जरी के लिए जाते हैं तो उस टूथ को निकालने से पहले डॉक्टर आपको एनेस्थेसिया देगा, जो डेंटिस्ट होगा वो आपको एनेस्थेसिया देगा। तो मेनली हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व या फिर हमारा एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व या फिर इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व को ब्लॉक करते हैं। इन नर्व्स पे एनेस्थेसिया दी जाती है जिससे कि पेशेंट को पेन फील ना हो। अगर उसका अपर जॉ का टीथ को निकालना है तो उसके लिए हम पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व को एनेस्थेसिया देते हैं। अगर उसके लोअर जॉ को टीथ को निकालना है तो उसके लिए हम एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व या फिर इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व, मेनली इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व को पहले ब्लॉक कर जाता है। उसके बाद सेकंड थर्ड नंबर पे आता है हर्पेस सिंप्लेक्स। हर्पेस सिंप्लेक्स एक वायरस है। हर्पेस सिंप्लेक्स, हर्पेस जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी में एंटर होगा। हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद उसका जो एरिया है, जिस एरिया में जाके वो ग्रो करता है, वो होता है ट्राइजमिनल गैंग्लियन। वो ट्राइजमिनल गैंग्लियन में जाके रहता है बहुत टाइम तक, अपने आप को मॉडिफाई करेगा, लेकिन जिस टाइम पे भी आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया उस टाइम पे वो अपना जो उसका मॉडिफाइड प्रेजेंटेशन है वो आपको दिखाता है। तो मॉडिफाइड प्रेजेंटेशन के बाद वो क्या करेगा, जो हमारे ऑप्थेल्मिक नर्व है, मैक्सिलरी नर्व है, मैंडिबुलर नर्व है, इन तीन में से किसी भी एक पर्टिकुलर नर्व के पाथवे पे आपको रेड कलर के इरप्शंस मिलते हैं जो पेनफुल होता है एंड इचिंग होती है उनमें, सिवियर इचिंग, सिवियर पेन होता है एंड बिल्कुल रेड इरप्शंस होते हैं। तो मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी नर्व या फिर ऑप्थेल्मिक नर्व, किसी भी एक नर्व, मेनली मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी नर्व के पाथवे पे वो आपको वायरस, वो जो जो वेसिकल्स हैं, जो पस्टुल, जो इरप्शंस हैं वो आपको मिलेंगे, उसे बोलते हैं हर्पेस सिंप्लेक्स, हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, या फिर इसका नाम होता है अगली डिजीज भी इसे बोलते हैं। एंड एक और इसमें क्लिनिकल में आता है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है जो हमारा ये मोटर डिविजन है मैंडिबुलर नर्व का, ये मेनली हमारे प्रोप्रियोसेप्शन में हेल्प करता है। अगर हम च्युइंगम खा रहे हैं तो हम जब च्युइंगम खाते हैं तो फिर उस च्युइंगम को हम कभी भी स्वेलो नहीं करते। अगर हम च्युइंगम खा रहे हैं और हमारा हम कहीं और, हमारा ध्यान है, हमारा कंसंट्रेशन कहीं और है, हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं किसी और चीज़ में, लेकिन हमारा ध्यान च्युइंगम के ऊपर नहीं है, फिर भी हम उस च्युइंगम को च्यू करेंगे लेकिन हम उसे स्वेलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोप्रियोसेप्शन प्रेजेंट है जो कि मोटर ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व से हमें मिलता है। तो ये था कंप्लीट ट्राइजमिनल नर्व। तो थैंक यू, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।